आज हम आपको दिखाने ले आ रहे हैं ग्वालियर से एक एक्सक्लूसिव खबर, जहां 18 प्लस के वैक्सीनेशन में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाने वालों का कई लोगों का रिकॉर्ड ही नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान मरते लोगों को जहां एक ओर सिर्फ वैक्सीन और वैक्सीन लगाने वालों से ही आशा है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन लगाने वाला सरकारी स्टाफ अपने चिर परिचित लापरवाही भरे अंदाज में काम करता दिखाई दे रहा है। ऐसे एक बड़े मामले में आपको हम अवगत करा रहे हैं, जिसमें हजीरा स्थित सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवा चुके कई लोगों का कोई रिकॉर्ड अस्पताल में नहीं है। मामला तब खुला जब कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ दिनों बाद अस्पताल पहुंचे और मैसेज न आने का कारण पूछा। तब विंडो पर बैठी स्टाफ नर्स द्वारा कहा गया कि जिस दिन आपने वैक्सीन लगवाई थी उस दिन का कागज हमारे पास से गुम हो गया है, आप दोबारा इस कागज पर अपनी डिटेल लिख जाइए, बाद में हम अपडेट कर लेंगे। कोई मैसेज नहीं आया। ग्रीन प्लस में थे। हाँ। आप अपना नाम। तो दोबारा नोट कराना पड़ेगा। सर कर जाओ, उस दिन क्या हुआ था मैडम ने ओटीपी नहीं ली थी किसी से। अच्छा। ओटीपी की वजह से हमें शायद आपका रिकॉर्ड दोबारा डालना पड़ेगा। नहीं तो जो रजिस्ट्रेशन था तो उसकी ओटीपी ली थी हमसे। तो नहीं ली थी। ली थी हमसे तो हम दोनों कहाँ ली थी? उसमें ना टिक करवा लिया हुआ फाइल में। अच्छा, लिस्ट वगैरह हो गई है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस टाइम ओटीपी ले लेते ना तो आपका रिकॉर्ड गिन जाता, उस दिन डाल देते हाल ही साल मैसेज चला जाता और उस दिन का सेशन आज ओपन हो नहीं रहा है तो हमें दोबारा रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। हमारे घर के तीन लोगों ने लगवाई है, तीनों को ही नहीं मतलब उस टाइम पे मैसेज आया है। एटीएम प्लस में दे गया सर। तो एटीएम प्लस का यही तो रट्टा होता है, वो सेशन जिस दिन डालते हैं ना उसके दूसरे दिन तक रहता, तीसरे दिन गायब हो जाता है। तो 12 से आज तो 15 हो गई है, सेशन नहीं रहेगा। इस संबंध में जब वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई तो बताया गया कि संबंधित व्यक्ति से ओटीपी नंबर लेकर अपडेशन किया जाता है, जो कि नहीं किया गया। सवाल पैदा होता है कि जब वैक्सीन लगाने वाले का रिकॉर्ड ही नहीं है तो आंकड़े जो दिए जाते हैं वह कहां तक सही होंगे? एक तरफ जहां महामारी के चलते लोग मर रहे हैं वहां सिर्फ वैक्सीन का ही सहारा है, जिसकी कमी बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी महकमा अपने लापरवाही भरे रवैया से बाज नहीं आ रहा है। इस मामले में वीडियो शूटिंग करते हुए हमारे संवाददाता ने खुलासा किया और यह वीडियो शूटिंग नहीं बनता तो वरिष्ठ अधिकारी इस शिकायत को भी नहीं मानते। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खास खबर। तो जैसा कि आपको मामले से अवगत कराया गया अभी कुछ देर पहले कि सिविल हॉस्पिटल में कई मरीजों का रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, वहाँ पे स्टाफ का कहना यह है कि 12-13 तारीख में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन 18 प्लस वालों ने करवाया है उनका ओटीपी लेना वो भूल गए थे। तो सर वैक्सीनेशन का शॉर्टेज वैसे भी देखी जा रही है कई जगह पर, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है, सर ऐसी स्थिति में तो और परेशानी आने की। हाँ बिल्कुल, आपने कहा सही बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, अब मैं इसको चेक कराऊंगा, अगर ऐसा हुआ है तो उसको हम लोग सुधारेंगे और जिसने ऐसी गलती करी उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर डॉक्टर राम बंसल का जैसे कि अभी आपके सामने कहना है कि वहाँ उनके यहाँ कोई मैडम बैठी ही नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। राम बंसल जिला अस्पताल में है और आपने तो सिविल हॉस्पिटल की बोले, सिविल हॉस्पिटल हजीरा में है, वहाँ डॉक्टर प्रशांत नायक है ना, तो प्रशांत नायक से बात करके मैं क्लियर कर लूँगा क्या समस्या।